नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस ने स्कूली वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान स्कूली वाहन के चालकों को पुलिस ने विशेष दिशा निर्देश दिए। शहर में यातायात प्रभारी विपिन शुक्ला ने स्कूली वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान यातायात प्रभारी विपिन शुक्ला ने चालकों के डीएल और वाहनों के कागजात चेक किए। इसके साथ ही चालकों को स्कूली वाहनों के निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्कूल वाहन चालकों को अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहने और सीट बेल्ट बांधने के भी निर्देश दिए। वहीं स्कूल का आईडी कार्ड भी गले में डालने को कहा गया। यातायात प्रभारी विपिन शुक्ला ने चालकों को वाहन चलाते समय ईयरफोन ना लगाकर चलने की हिदायत भी दी। शासन का स्कूली वाहनों के संबंध में स्पष्ट निर्देश है कि स्कूली वाहनों के जो मानक माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा निर्धारित किया गया है, उसी मानक के अनुरूप ही केवल स्कूली वाहन चलेगा। जिसमें स्कूली वाहन जो चल रहे हैं उसमें मानकों के अनुरूप फायर आग बुझाने के यंत्र होने चाहिए, मेडिकल किट होनी चाहिए, ड्राइवर प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगा, गाड़ी पे आगे पीछे स्कूल वैन लिखा हुआ होगा और गाड़ी का कलर पीले रंग का होगा। इसके अतिरिक्त गाड़ी में बैठाए जाने वाले बच्चों की संख्या को लेकर भी विशेष दौर किया जा रहा है। इसी संबंध में यह स्कूली वाहनों की चेकिंग का अभियान यातायात पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और जो निरंतर आगे चलता रहेगा। दहेज लोभियों के खिलाफ कानून भले ही सख्त है लेकिन अपराधी है कि बाज नहीं आ रहे। मेरठ में ससुरालियों ने बहू को सिगरेट से जलाकर घर से निकाल दिया। आपको बता दें कि ससुरालियों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप है, जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में न्याय की गुहार लगाई है। सुनवाई होगी, पता नहीं क्या होगा। जगह जगह हमारे पीछे अपने आदमी भेजते हैं कि हमारा तो फैसला होगा, समझौता होगा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। कब हुई थी आपकी शादी? 24 जून 2012 को। कहाँ पर? दोरा लगाओ में। किससे हुई थी? विवेक अहलावत, उसके पिता का नाम स्वर्गीय देविंदर सिंह है। अब क्या कह रहे हैं? अब तो कुछ नहीं कह रहा कि लाते हैं, ले जाते हैं, हाथ पैर जोड़ के। इनका तीसरा वाक है साहब ऐसे करने का, हाथ पैर जोड़ के ले जाते हैं, फिर मारपीट करते हैं, घर को से मिलने देते हैं। मेरे घर के मुझे फोन देकर देते हैं, लल्ली बात कर लेकर उसे भी तोड़ कर रख देते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ फोन में, कि बच्चों ने खराब कर दिया। कुछ डिमांड करते हैं वो? हाँ जी। क्या डिमांड करते? कहते हैं कि पड़ोस में तो इतना माल आया, हमारा तो कुछ भी नहीं आया। ना मेरे बाप ने मोटरसाइकिल दी, ना कुछ दिया। आपका मोटरसाइकिल ले लिए, आपका नू ले लिए। ये निशान किस चीज़ के? सिगरेट के। क्या करा सिगरेट? ऐसे सर आप पी के नशे में रहते हैं सर, आप बीड़ी पी के सिगरेट पी के ऐसे हाथ का निशान लगाते थे कि चीप लग है क्या, थूक लग है क्या, ऐसे पूछते थे। और जब मैं चिल्लाती थी तो मुँह खींच देता क्योंकि मोहल्ले को सुनावे कि यहाँ चीज। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनभद्र में नरसंहार हुआ। संभल में अपराधियों द्वारा पुलिस वैन के अंदर दो सिपाही दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है। जो सोनभद्र के गुनाहगार थे उन्हें ये सरकार रोकने में नाकाम रही। सरकार को मालूम था कि ये होने वाला है, वो लोग पुलिस को इत्तला दे चुके थे 3 दिन 4 दिन पहले लगातार, गुनाहगारों को नहीं रोक पाए। लेकिन प्रियंका गांधी जो मजलूमीन के आंसुओं को पोंछने जा रही थी उनको रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने सरकार को झुका दिया। प्रियंका गांधी उन लोगों से भी मिली जो विक्टिम्स थे, 10-10 लाख रुपए उन्होंने उनके फैमिली के लोगों को दिए और योगी को मजबूर कर दिया कि वो वहां जाएं और उन लोगों से मिलें। सर बात करते हैं कि सोनभद्र नरसंहार और फिर दिन दहाड़े पुलिस वैन के अंदर दो पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो जाते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? बहुत चिंता का विषय है। सोनभद्र के अंदर ये हुआ, संभल के अंदर हमारे पुलिस वाले मारे गए और जो गुनाहगार थे उन्हें छुड़ा कर ले गए। योगी आदित्यनाथ फिर भी कहते हैं कानूनी व्यवस्था ठीक है। क्या कानूनी व्यवस्था इसी का नाम है? योगी एक नाकाम मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश का भविष्य मुझे अंधकार में नजर आता है।
पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे मॉब लिंचिंग बढ़ता जा रहा है, महिलाओं को मार रही, जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गुनाहगार हैं, लेकिन उनसे भी बड़े गुनाहगार बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने देश के अंदर ये माहौल पैदा कर दिया है। पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान भेज देंगे, लव जिहाद, घर वापसी, और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री बने हुए हैं। कैसे रोक पाएंगे आप जिन लोगों को आपने मंत्री बना रखा है? आप विश्वास जीतने की बात करते हैं, विश्वास इस तरह नहीं जीता जा सकता। आजम खा पे देखिए, हम रामपुर जा रहे हैं, वहाँ जाके बात करेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। क्या मानते हैं आजम खा पे? अब मुझे मालूमात नहीं, वहाँ जा रहा हूँ मैं इसी काम के लिए, देखते हैं क्या है सच्चाई। तो आप जाकर आजम खान से नहीं, मैं अपनी पार्टी के लोगों से मिलूंगा, मैं आजम खान से क्यों मिलूंगा? शाहजहांपुर में पंजाब नेशनल बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि आग लगने से बैंक में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से वक्त रहते बैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। शॉर्ट सर्किट से जो है अभी आग लगी बैंक में। ये क्या है, ये मीटर में जो है शॉर्ट सर्किट से वो आग लग गई, इसलिए जो आग बुझाने वाला जो लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे आग लगी है वो टेम्परेचर से फटा, उससे जो है आग बुझ गई। बैंक सुरक्षित है, सही है, और प्लस जो है ऊपर भी चेक कर लिया, कोई भी नुकसान नहीं हुआ बैंक का। दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी, क्या मदद की उन लोगों ने आपको? उन लोगों ने सारी मदद की है, बहुत अच्छी तरीके से पुलिस प्रशासन है, और प्लस जो है यहाँ पे सब देखा है, कोई भी दिक्कत नहीं, और जो है बहुत अच्छी तरीके से जब तक हम लोग आए हैं जब तक यहाँ फायर ब्रिगेड वगैरह सारी आ चुकी थी। यहाँ कोई नुकसान तो नहीं हुआ बैंक? नहीं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। बिहार में शराब बंदी के बाद सीमावर्ती इलाकों में शराब की तस्करी बढ़ गई है। हरियाणा निर्मित शराब की बिहार में जमकर तस्करी की जा रही है। अभी इसी साल की फरवरी महीने में कुशीनगर जनपद के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें सीओ थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी यह अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार की रात एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि खुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में सीओ तमकुही राज द्वारा छापेमारी में थानाध्यक्ष कसिया की निजी स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब बरामद हुई है। इस गाड़ी के साथ थाने के चौकीदार भी पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस इतने गंभीर मामले को दबाने में जुटी है। वहीं पकड़ी गई शराब से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है, जिसमें पकड़े गए व्यक्ति बता रहे हैं कि थाने के सिपाहियों ने शराब गाड़ी में रखवाई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन शराब के साथ पकड़ी गई स्कॉर्पियो की फोटो अब लीक हो चुकी है और अब पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। कुशीनगर जनपद बिहार सीमा से सटा होने के कारण जहाँ अवैध शराब की तस्करी जमकर होती है, तो वही नेशनल हाईवे 6 थाना क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इसमें से 4 थानों पर हमेशा तस्करी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हर बार बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि क्या पुलिस शराब तस्करी में शामिल है